नमस्कार नमस्कार साथियों कुछ चार पाँच दिन के अंतराल के बाद ज़्यादा बड़ा अंतराल हो गया हम लोग मिल रहे हैं असल में जैसे परीक्षा की आवश्यकताएं समय के साथ बदल रही हैं और आप लोगों का भी ये रुझान था कि अब प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित हमें ज़्यादा समय करना चाहिए और हिंदी माध्यम के लिए ख़ासतौर से प्रिलिम्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है तो मैं जो हम लोग विश्लेषणात्मक थोड़ा गहन जो चीज़ें करते थे उसको मुझे लगा कि मैं इस पूरे जो हमारा रुझान है उसको हम थोड़ा सा प्रारंभिक परीक्षा की ओर केंद्रित करें और टाइम का भी चेंज किया है कई लोगों को प्रोबेबली पता नहीं चला तो खैर धीरे धीरे उन तक बात पहुंच जाएगी मैं कोशिश कर रहा था जल्द से जल्द बात को शुरू किया जा सके तो अभी टाइम ये 11 बजे निश्चित नहीं है मैं एक दो दिन में इसको देखता हूँ बाकी क्लासेस के साथ इसको मैनेज करता हूँ बट होगा इसी अंतराल में है ना सुबह आठ से लेकर एक बजे के बीच के अंतराल में इसको कोशिश करेंगे कहीं एकोमोडेट करने की और फिलॉसफी यह है इस प्रोग्राम में कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रलम्स के लिए करेंट अफेयर्स में अलग अलग सब टॉपिक्स में से जैसे इकॉनमी में इन्वायरमेंट में इंटरनेशनल अफेयर्स में पॉलिटी में जो कुछ हम कवर कर सकते हैं जून तक का समय है हम पाँच घंटे हम लोग हफ्ते में इसको दे सकें ठीक है तो ये कुछ बातें थी और आ, अब क्या करने जा रहे हैं आगे उसको हम कर रहे हैं तो दिस इज़ नो लॉन्गर अ डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस अब हम करीब करीब डेढ़ साल का जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए इस बार प्रदिम्स में उनको और मेरी नेचर आप मेरा जानते हैं कि मैं आ, आपको भी साथ में इसमें काम करवाता हूं तो मैं इंडिकेट करता रहूँगा कि भाई ये विषय इसमें आपने पढ़ा ही होगा उन चीज़ों को तो ऐसा मत सोचिएगा कि करंट के नाम पे फिर अगर बॉन्ड आया तो बॉन्ड क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा तो उस तरह की जो इच्छा लोग रखते हों उनके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं हो पाएगा बट जनरली जो बच्चे जुड़ते हैं उन्हें पता है कैसे पढ़ना है तो ये बात है और इसको हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं अब बात को शुरू करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कल अब चूंकि आप तो इस वक्त पूरा प्रीलिम्स मोड में हैं तो जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह भी कहीं ना कहीं आप अगर कर रहे हों तो उसको भी थोड़ा सा रिअलाइन कर लीजिएगा बहुत अच्छे पेपर इसमें बनते हैं और ज़रूर ज़रूर इसका लाभ उठाइए बहुत सीनियर लोग मिलकर इस इस क्वेश्चंस को बना रहे हैं और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट दो ही बातें हैं एक, आपको क्वेश्चंस का लेवल जो यू का है वैसा ही लेवल मिले और दूसरी बात है कि अगर एक यू जैसा कुछ आपके पास एक नेशनल रैंकिंग या उस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे अन कॉम्बैट में मिलती हैं हम इसको कहते हैं अगर कि ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमीफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल है तो ये गलत नहीं है क्योंकि इस संख्या में और इतनी शिद्दत के साथ टेक्नोलॉजी का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है वो आपको दिखेगा तो कल ये ग्यारह बजे कॉम्बैट एग्ज़ाम है आप इसमें एनरोल हो सकते हैं एनरोल होने की प्रोसेस आप जैसे ही ऐप में जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा मैं पहले बता भी चुका हूँ ख़ास बात चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो कि बेस्ट अन एकेडमी एजुकेटर्स बनाते हैं हम लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं सुपर फास्ट फन विद रियल टाइम रैंकिंग्स हर क्वेश्चन के बाद आपको अपनी नेशनल रैंकिंग्स पता चलती है हज़ारों बच्चों में तो ये अल अलग तरह का ड्रीनलिन रश आपके अंदर पैदा करता होगा जो बेस्ट लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो इसका उपयोग भी वही कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा जागरूक लोग हैं तो आपको उनके कंपैरिजन में अदरवाइज आप कहीं वैसे टेस्ट सीरीज में जाते हैं तो एक खास तरह के इकोसिस्टम के लोग होते हैं यहाँ तो नेशनल लेवल पर ऑनलाइन है कोई बैगलौर में बैठा है कोई बॉम्बे में बैठा है कोई चेन्नई में बैठा है कोई सीतापुर में लखनऊ में बैठा है सब लोग मिलकर टेस्ट दे रहे हैं तो ये जो एक पूरा एक इको डेवलप होता है वो आपके लिए बहुत काम का है इसको प्लीज़ इसको यूज़ करिएगा है ना और बाद में अब इसमें चीज़ें ऐड करी गई इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशनस मिलते हैं है ना कंटेस्ट के बाद पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन है और आप इसका डेफिनेटली लाभ उठा सकते हैं इस तरह आपका पूरा एक नेशनल परफॉर्मेंस आ जाएगा कि क्या हाईएस्ट रैंकिंग है लास्ट थर्टी डेज में क्या हुआ है और सबसे आपके लिए आकर्षण की बात शायद होगी स्कॉलरशिप टेस्ट इसमें है यू के लिए तो रैंक वन टू थ्री फोर टू टेन एलेवन टू फिफ्टी अलग अलग लेवल पर आपको स्कॉलरशिप के वो भी मिल रहे हैं इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं ठीक है तो कंटेस्ट फॉर्मेट साठ मिनट में साठ क्वेश्चन बारह अलग अलग कॉम्बैट्स आते हैं छः सेक्शन में ठीक है? तो और रिलेटिव स्कोरिंग हर संडे को ये कॉम्बैट हो रहा है इसका आपको लाभ उठाना चाहिए तो आज जो पहला विषय जहां से हम बात को अपनी शुरू करेंगे वो मतलब मैंने आपको बताया फॉर्मेट, है ना? हम करीब करीब डेढ़ साल का होराइज़न लेकर चल रहे हैं क्वेश्चंस पूछने का जो नेचर है यूपीएससी का वो वैसा अब नहीं है कि किसी साल कोई कार्यक्रम शुरू हुआ तो सारे सवाल वही पूछ ले है ना आप मोटे तौर पर देखेंगे कि एक करेंट के इवेंट से रिलेट करके उस पर बेस्ड कन्वेंशनल क्वेश्चंस बनाता है ना तो उस बात को दिमाग में रखें और विषय से जुड़ें इसका लाभ ले तो पहला विषय कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ने कोयला मंत्रालय ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट को प्रारंभ किया है।, प्रोजेक्ट यूनिट क्या है क्या इसका संदर्भ है इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकता है इसका मूल जो उद्देश्य है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट नाम की व्यवस्था का हम बहुत पूर्वक जो कोयले की खदाने चूँकि कोल खदानों को आपको पता है निजी क्षेत्र के लिए भी खुल गया है ये सेक्टर तो हम उनको प्रकार्यात्मक बना सकें कागज़ पर तो चीज़ें हो जाती हैं कि भाई इनको ये कोयल कोयला की खदान मिल गई इनका टेंडर हो गया लेकिन ऑपरेशनल बनाने में बहुत टाइम लगता था और यही कारण था कि कोयले की पर्याप्त तो उपलब्धता होने के बाद भी भारत अभी कुछ समय पहले तक कोयला आयात करता था इस बात को भी यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा था अभी तो कोयले की खदानों को आवंटन के बाद शीघ्रता पूर्वक प्रकार्यात्मक बनाया जा सके ये पूरी कवायद आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट में दिखेगी इस पहल में दिखेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी ये रणनीति बहुत कारगर होगी क्योंकि इसमें हम सपोर्ट कर सकेंगे कि समय पर सारे अप्रूवल्स हो जाएं और इन खदानों को प्रकार्यात्मक बनाया जा सके इसमें माइंस को जो खदाने हैं केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के जो विभिन्न विभिन्न विभिन प्राधिकारी होते हैं अलग अलग स्तरों पर जो उनको आ, सारे क्लियरेंसेस लेने होते हैं उनको भी फास्ट ट्रैक किया किए जाने की व्यवस्था है देश में कुल मिलाकर कोयले से संबद्ध जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाया जा सके सुधारा जा सके ये कवायद प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट नामक की इस व्यवस्था में दिखती है अब इसमें एक सब थीम आ गया परीक्षा के लिए भूगोल में संसाधनों में आप पढ़ते ही हैं मैं जहाँ जहाँ एस्ट्रिक बनाऊंगा इसका मतलब है कि इसको एक विषय के तौर पर उपविषय के तौर पर आपको और काम करना चाहिए काम इसलिए करना चाहिए कि ये भूगोल वगैरह में आपका एक बड़ा विषय है है ना तो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ जब जोग्राफी में पढ़ा होगा उसको और स्ट्रॉन्ग करके आपको पढ़ना है भारत विश्व में कोयला संसाधनों के संदर्भ में पांचवी सबसे बड़ी सबसे बड़े संसाधन रखने वाला देश है जिन राज्यों में प्रमुखतः कोयले का भंडारण है कोयले के संसाधन हैं उसमें उड़ीसा झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और तेलंगाना आते हैं मैंने एक मैप ऐड कर दिया है इसको आप देख सकते हैं ठीक है ये पूरा जो बेल्ट है वो आपको पूर्वोत्तर झारखंड में हाईएस्ट रिजर्व है आपको पता ही है तिरासी हजार मिलियन टन से ज्यादा ये सारणी है घटते क्रम में झारखंड उड़ीसा सेवेंटी नाइन थाउजेंड मिलियन टन छत्तीसगढ़ सत्तावन हजार पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश इस ऑर्डर को भी आपसे पूछ सकता है कोयला संसाधनों के संदर्भ में घटते या बढ़ते क्रम में राज्यों को लगाए इस तरह के प्रश्न आते रहे इसको यहाँ से कवर करिएगा कुछ राज्य जहाँ कोयला है ही नहीं ये पूरी सूची है ठीक है उत्तर पूर्व में भी कम है लेकिन है संसाधन तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर कोयला है कहां पर नहीं है कभी इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए तो आप एलिमिनेट कर सकें कि भाई ये तो नहीं है यहाँ तो कोयला होता ही नहीं है सब आप भूगोल में पढ़ते हैं उसको अब रीअलाइन करने की जरूरत है। ठीक है तो एक ये जानकारी हो गई आपके लिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं एक मुद्दा इस बार की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है निजीकरण का निजीकरण बनाम राष्ट्रीयकरण की जो एक पूरी एक तरह से कह सकते हैं लड़ाई भी है संघर्ष भी है प्रतिस्पर्धा भी है उसको जरूर हमें देखना चाहिए और नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण कोयले का लेकर कोयले का कब हुआ किस प्रकार हुआ कब इसको डी नेशनलाइज किया गया है ना ये सारे एस्पेक्ट्स भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे तो इसको दो चरणों में किया गया था मूलतः लेकिन जो कानूनी जो आ, रास्ता था इसके राष्ट्रीयकरण का वो कानून था कोकिंग कोल माइंस इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट 1971 का अब जानते हैं इंद्रा जी के समय में ये राष्ट्रीयकरण की सारी कवायद आगे बढ़ी थी तो कोल खदानों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को इस कानून के माध्यम से 1971 के कोकिंग कोल माइंस इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट के माध्यम से किया गया और उस समय में तो निजी क्षेत्र की कंपनियां जो आ, काम करती थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इन दो को राष्ट्रीयकृत करके इस प्रक्रिया को एक सिंगल एंटिटी बनाई गई थी सरकारी जिसका नाम था बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तो ये राष्ट्रीयकरण की शुरुआत थी उसके बाद और पब्लिक सेक्टर में कोल इंडिया वगैरह ग्रेजुअली इस सबको डेवलप किया जाता है अब इसकी उल्टी प्रक्रिया इनका डी नेशनलाइजेशन ये 2015 में एक कानून बना कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट इस कानून के माध्यम से निजी क्षेत्र को भी कोयले के सेक्टर में इसको एंट्री दी गई और ये प्रक्रिया की शुरुआत थी तो इकहत्तर का कानून राष्ट्रीयकरण की शुरुआत करता है 2015 का कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट इस रिवर्स प्रोसेस को आगे बढ़ाता है तो को कोयले के संदर्भ में इतनी बुनियादी बातें हमें पता होनी चाहिए ये पूरा संदर्भ था इसको ध्यान रखिए चलिए दूसरा विषय मैं विषय नहीं थीम्स बोलता हूँ एक्चुअली विषय का मतलब होता है कि सब कुछ उसमें समाहित है थीम्स का मतलब होता है कि भाई ये थीम है बड़ा कुछ हुआ है इस साल बट उससे रिलेट करके आपको कई चीज़ें करनी होंगी साथ में ये ध्यान रखिएगा नीति आयोग ने एक नाना नानी अभियान इसको बहुत सुर्खियों में देखा गया क्योंकि सोशल सिक्योरिटी सीनियर सिटीजन्स ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में अलग अलग आधारों पर इसको रखा गया है और मेंस के सिलेबस को ही केंद्र में रखकर बेसिकली यूपीएससी पी के लिए भी जो बड़ी बड़े जो विषय हैं वो वहीं से बुनता है जिससे कि आपको भटकना ना पड़े आप मेंस ही पढ़ रहे हो पर उसका एक एस्पेक्ट प्रीलिम्स में भी आ रहा है ठीक है इस बात को ध्यान में रखकर बात को समझते हैं चलिए तो बेसिकली क्या है स्कीम है जो इस बात पर फोकस है कि कैसे हम जो बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी बेहतरी को उनकी वेलबींग well को हम सुनिश्चित कर सकें भारत दुनिया में एक बहुत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुकी है और हम पाँच ट्रिलियन यूएस डॉलर इकॉनमी 2025 तक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन द तो क्वालिटी लाइफ जो है हमारे नागरिकों की हमारे जो जिसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ जीवन की गुणवत्ता उसे हम कहीं देश की तरक्की के साथ हम शायद सहज नहीं पाते कंसिस्टेंट नहीं है साम्य नहीं है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर हम देखें तो भारत की जो रैंक्स हैं 2020 का डेटा आप यूज कर सकते हैं इसमें वो रैंक बताती है कि हमारे यहाँ मानव विकास जो है वो शायद जीडीपी के विकास के साथ संगत नहीं है और इसी में बेसिकली जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अपने में बड़ा थी मैं इसमें भी और चीज़ें ऐड करता हूँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जो विकास में हम कहीं पिछड़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कारण इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का ही आपको दिखेगा तो सीनियर सिटीजन्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खास तौर से ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था क्योंकि ये कोरोना काल में नीति आयोग ने प्रस्तावित किया था तो माना गया कि संघर्ष तो सभी के लिए है इस समय में लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए ज़्यादा संघर्ष है और उनकी जो ये वलनरेबल स्थिति है उसको लेकर हमें कुछ बेहतर काम करना चाहिए और जो करीब करीब तीन मिलियन जो बुज़ुर्ग नागरिक हैं जो कि पच्चीस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं इन पर फोकस्ड ये एक सोशल सिक्योरिटी का एक प्रोग्राम था तो झारखंड बिहार असम झारखंड बिहार असम मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में करीब तीन मिलियन तीस लाख जो नागरिक हैं बुजुर्ग नागरिक उन पर केंद्रित ये प्रोग्राम था इस बात को भी हम देख सकते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं इनका क्या अर्थ है इनका क्या संदर्भ है इसको ज़रूर करके जाइएगा ये पहले जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहलाते थे वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अब हो गए हैं एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो ये ऐसे जिले हैं जो बेसिकली ये नामकरण भी वर्तमान सरकार का एक उपक्रम है बैकवर्ड कहते ही थोड़ा सा लगता था कि जैसे कुछ नकारात्मक कहीं कुछ बात है तो अब बैकवर्ड की जगह एक पॉजिटिव संकल्पना है एस्पिरेशन हैं एक होता है ये पिछड़ा है एक होता है कि भाई इसमें एस्पिरेशन है इसको एस्पिरेशनल बनाना है ये भी विकास के मामले में आगे आ सके तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां बहुत कमजोर सामाजिक आर्थिक संकेतक हमको दिखते हैं 115 ऐसे जिलों को करीब 28 राज्यों में से चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के बाद जो दर्शन डेवलप हुआ जो फिलॉसफी डेवलप हुई वो है कि तीन सी हैं कहते हैं सी थ्री सी थ्री क्या है कन्वर्जेंस कोलैबोरेशन और कंपटीशन मतलब ये है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कैसे ऊपर आएंगे आपको अलग अलग जो स्कीम्स वगैरह हैं और जो अलग अलग अभिकर्ता हैं उनके प्रयत्नों को कहीं आपस में एक रूप करना हो कन्वर्ज करना हो कोलेबरेट सारे स्टेक होल्डर्स सेंटर स्टेट पब्लिक प्राइवेट सोसाइटी सबको कोलेबरेट करना होगा तब ये एस्पिरेशन पूरा हो सकेगा और कहीं ना कहीं नीति आयोग भी इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कह रहा है प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव बनाना होगा इनको आपस में और बेसिकली पांच क्षेत्रों में काम करना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कब उभरेंगे पांच थीम्स पर काम करने की बात है ये थीम्स जो हैं इनमें शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण वित्तीय समावेशन कृषि और जल संसाधन तथा कौशल विकास ये पांच थीम्स हैं पीटी के लिए ध्यान रखिएगा कि कोई छठा सातवां थीम डाल दे तो आप उसको एलिमिनेट कर पाओ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पांच थीम्स पर काम करता है शिक्षा स्वास्थ्य पोषण वित्तीय समावेशन कृषि जल संसाधन और कौशल विकास ये 115 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें सबसे अधिक झारखंड से हैं यानी पिछड़ापन अगर जिलावार देखें तो सबसे अधिक झारखंड में दिखा है उन्नीस जिले आते हैं फिर है बिहार तेरह छत्तीसगढ़ से दस ज़िले मध्य प्रदेश उड़ीसा उत्तर प्रदेश से आठ आठ जिले कम से कम टॉप पाँच छः आपको पता होने चाहिए और जो स्टेट्स इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं यूटीज कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं वो भी आपको पता होना चाहिए तो मोटे तौर पर हम ये कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं इसमें यूपी आप देख सकते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से अगर सिर्फ जो पॉपुलेशन ज्यादा है अगर तो जिले भी ज्यादा है और सिर्फ आठ डिस्ट्रिक्ट आते हैं उत्तर प्रदेश से तो ये दिखाता है कि यूपी में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से इन कंपैरिजन टू अदर बीमारू स्टेट्स हम थोड़ा सा स्थिति बेहतर पाते हैं ठीक है ये इन जिलों का जो कलर्ड आपको दिख रहे हैं ये पूरा कंसंट्रेशन है तो आप देख सकते हैं कि बैकवर्डनेस भी इंडिया के जो ईस्टर्न पेरीफरी है इस पर आपको फोकस ज़्यादा दिखेगी है ना वो रीज़न है कि ईस्ट और वेस्ट ये तो ग्लोबल एक एनालिसिस होती है कि वाय पूर्वोत्तर क्षेत्र किसी देश में या किसी राज्य का ईस्ट यूपी वेस्ट यूपी वो क्यों पिछड़ा होता है इसका एक भौगोलिक और बाकी नीतिगत कारण भी आप पढ़ते हैं उसको मीन्स ठीक है तो ये सारी बातें थी अंतिम एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बैकवर्डनेस को जब हम देखते हैं तो बेसिकली कुछ आधार बनाने होंगे कि कोई जिला कब आएगा एस्पिरेशनल में और कब नहीं आएगा तो अगर हम इस बात को ध्यान दें तो चार घटक हैं तीस परसेंट वेटेज दिया जाता है आधारभूत संरचना को यानी अगर आधारभूत संरचना बहुत कमज़ोर है तो उस जिले के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर आने की संभावना प्रतिशत उसके भार पर होगी 25 परसेंट भार दिया जाता है गरीबी को जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको 30 परसेंट वेटेज स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को दिया जाता है और 15 परसेंट वेटेज जो है वो आपको शिक्षा को है तो चार घटक क्या हुए इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन हेल्थ और पॉवर्टी ये पूरा एस्पेक्ट है कि कैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का चयन होता है मेरे ख्याल से अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर सामान्य जो संकल्पना की बात है तो इतना पर्याप्त है जानना अब कैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को सुधारा जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में क्या रणनीति है ये सब मीन्स के विषय हो गए ये हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस के क्रम में हमने ऐसी चीजों को देखा था तो वो भी ध्यान रखिएगा तीसरा विषय अर्थव्यवस्था से ले रहे हैं आर्थिक संदर्भों में ले रहे हैं। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंकों को सरफेसी एक्ट के अंतर्गत मान्यता दी। आपके इस परीक्षा वर्ष का बड़ा घटनाक्रम है कोऑपरेटिव बैंक्स वैसे भी अलग अलग स्कैम्स के चलते ये हर साल ही न्यूज में रहते हैं इस साल ज्यादा ही हैं क्योंकि संकट भी था ऊपर से महाराष्ट्र वगैरह में आपने देखा कि किस तरह के वहाँ घोटाले आए तो लोग वैसे ही त्राही त्राही कर रहे हैं ऊपर से जिस बैंक में पैसा रखा वो डूब गया तो और संकट बढ़ जाता है सुप्रीम कोर्ट ने उस एक बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्डर को विवाद के बाद मान्यता दी है कि भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन 28 जनवरी 2003 को जारी किया था जिसमें ये कहा था कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी ध्यान रखिएगा कोऑपरेटिव बैंक भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को चलाने की प्रक्रिया है उसी के अंतर्गत शासित होते थे ये सीधे आरबीआई के मैंडेट में या बैंकिंग जो एक्ट है उसमें नहीं आते थे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भारत सरकार का 2003 का ये सरकारी आदेश ये कहता है कि ये सब भी सरफेसी एक्ट में आएंगे अगर वो बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते इस गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया ठीक है और ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि सरकार का आदेश सही है कोऑपरेटिव बैंक्स को भी बैंक की परिभाषा में शामिल माना जाए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उन्नीस कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी लागू होगा यह सरकार का जो फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई बड़ा घटनाक्रम था कोर्ट ने ये भी बोला कि एक्ट के अंतर्गत संसद को यह शक्ति है कि वो लोन्स की रिकवरी के लिए सराफेसी आपको पता ही होगा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड Enforcement ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट तो नाम तो भारी भरकम है लेकिन काम आपको पता होना चाहिए कि इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद इस कानून के अस्तित्व में आ, में आने के बाद ये सहजता मिली है जो निगमन करने वाली इकाइयां हैं कि वो जो बैड लोन्स हैं जो बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गए उनको बेहतर तौर पर चलाने के लिए उनको बेहतर तौर पर रिकवर करने के लिए इस कानून में कुछ सख्त प्रावधान थे जैसे जो भी असेट्स हैं जो बैड लोन हो गया उस असेट को सीज कर लेना उसको फिर थर्ड पार्टी को बेच देना ये सब चीज़ें बहुत सहज हो गई तो रिकवरी फास्ट हो गई जो बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम है एन वगैरह की उसको थोड़ा सा सुगम बनाता है तो आप नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को लेकर इनके ट्रांसफ़र को लेकर एक्ट की वजह से बहुत रियायत हो गई और अब अगर कोऑपरेटिव भी इसके अंतर्गत आती हैं एक्ट के अंतर्गत तो ऑब्वियसली जो वहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी आप यहाँ दूर होता देखते हैं तो डेफिनेटली ये एम्पावर करता है यहां पर एक चीज ऐड करता हूँ ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है ये भी आपको पता होना चाहिए इस पर केंद्रित कुछ तरह से प्रश्न आ सकते हैं फोकस करिएगा देखिए सामान्यतः क्या है बोरोवर है कोई कर्ज लेने वाला वो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको आर्थिक सहायता मिली बदले में उसने कोई सुरक्षा उसको कोलेट्रल कहते हैं कुछ सिक्योरिटी दी है ना जिसके बेसिस पर बैंक आश्वस्त है कि मैं भाई अपना पैसा वसूल लूँगा अब गड़बड़ हो गया ये नहीं पैसे दे पा रहे हैं एनपीए हो रहा है बैड लोन हो रहा है बेसिकली यहाँ पर ए पिक्चर में आती है सराफे एक्ट के बाद ये बहुत बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो ए बनाकर काम करने लगे क्योंकि उनके पास सब कुछ हथियार असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये इस तरह के जो आ, एक तरह से बैड असेट्स हो गए उनको रिवाइव करती है उनको रिकंस्ट्रक्ट करती है अब कोई इंडस्ट्री थी जैसे भूषण स्टील तो ठीक है भाई उसका धंधा उसको नहीं चलाना आया काफ़ी लोन वोन ले रखा था वो सब डूब डाब गया मान लो लेकिन भूषण स्टील ने जो सैकड़ों करोड़ रुपया जो ज़मीन खरीदी जो मशीनरी है वो सब तो एक असेट है ना उसको तो हम बेच कर पैसा वसूल कर सकते हैं तो ये असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के साथ संबद्ध होती है और ये क्या करते हैं ये ए से लेंगे कैश इनको अपना पैसा वसूलना है और जो यहाँ सिक्योरिटी थी इनके पास उनमें से जो भी ऐसे असेट्स हो सकते हैं जो बेचे जा सके जिनसे पैसा वसूला जा सके तो ये इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो ए ने बैंक को बेसिकली चुकता कर दिया जितना पैसा आया तो इनकी थोड़ी बैलेंस शीट ठीक हो गई अब ए उसका क्या करेंगे भाई ये तो इनका तो काम है ना ऐसे असे असेट्स को किसी को बेच कर फिर जितने पैसे दिए बैंक से इनको भी तो मुनाफा कमाना है ये उससे ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं ठीक है रिकंस्ट्रक्ट करके प्रॉब्लम्स को थोड़ा दूर करके तो ये क्या करेंगे ये अब ढूंढेंगे किसी क्यूबी को क्यूबी होता है क्वालिफाइड बायर भूषण स्टील का प्लांट हो सकता है कोई वेदांता अनिल अग्रवाल साहब को लगे कि मैं इसको डेवलप कर सकता हूँ अब ये कर सकता हूँ तो वो क्वालिफाइड बायर को ढूंढेगा क्वालिफाइड बायर शब्द क्वालिफाइड इसलिए लिखा होता है कि कोई भी बाय नहीं कर सकता इसके लिए कुछ नियम शर्तें से, से ही नियत में खोट थी धंधा नहीं करना था बैंकों के पैसे चबाने थे उन्होंने कुछ साल काम किया इधर उधर कुछ खरीदा प्रॉपर्टी रॉपर्टी और अल्टीमेटली दिखाया हम तो नुकसान हो रहा है नुकसान हो रहा है पैसे नहीं दे सकते एनपीए करके बैंक को बोला कि भाई ये आप सब ले लो और बीच में अपना गेम कर दिया पैसे कुछ पर्सनल असेट्स क्रिएट कर दिए कुछ कर दिया अब ए के पास गया ए ने जो पैसे थे उसका आधे पौ जो भी होने पौने दाम जो भी मिले वो इसमें बैंक को दे दिए अब मान लीजिए बायर में दोबारा भूषण स्टील ही किसी और नाम से कोई उन्हीं के फैमिली का कोई आदमी आ गया और ओवरऑल उसने कहा लाओ भाई मुझे दे दो हजार करोड़ में सारा माल बैंकों का तीस बीस हजार करोड़ चबाया आया दो हजार करोड़ में फिर उस एसेट को खरीद लिया है ना तो ये तो पूरा एक बहुत झोलझाल है ना इसीलिए क्वालिफाइड शब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत सीवियर रिस, रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि अब कौन खरीद सकता है एआरसी से ये ना हो कि ये कोई पूरी साइकिल बन जाए है ना रस्ते का माल सस्ते में टाइप्स वो नहीं हो सकता तो क्वालिफाइड बायर होता है सरकार की शर्तों पर ही ये काम कर सकता है और ये क्यूबी जो होते हैं ये ए को पैसा देंगे और बदले में वो जो असेट्स हैं वो क्वालिफाइड बायर को दे दिया जाता है इस साइकिल में ये पूरा जो एन हो गया मामला था वो थोड़ा सा बेटर ऑफ हो जाता है ये आपको यहाँ पर रियायत दिखती है ठीक तो है ये पूरा विषय था इसको देख एक इस परीक्षा वर्ष में हमको क्योंकि देखिए मैं एक चीज आपको स्पष्ट करूं कोरोना पिछले परीक्षा वर्ष की घटनाक्रम था ठीक है क्योंकि हम जनवरी से उसको देख रहे थे और आपका एग्जाम हुआ है 2020 में काफ़ी बाद में तो कोरोना का पूरा समयावधि तो पिछले प्रीलिम्स में हो गई लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं आया क्वेश्चन कोई नहीं आया एक छोटा सा एक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है वो भी किसी वायरस के संदर्भ में क्या इस बार की प्रारंभिक परीक्षा में कोरोना एक नॉन सब्जेक्ट क्या इसका कोई रोल नहीं होगा मेरा अपना हंच कहता है कि इस बार बहुत बड़ा रोल होगा लेकिन वो सब नहीं होगा कि दवाई टेस्ट म्यूटेशन ये नहीं होगा कोरोना ने इकॉनमी के लिए रिसर्च के लिए इवन हेल्थ मैनेजमेंट के लिए जो चैलेंजेस क्रिएट किए हैं उन पर केंद्रित डेफिनेटली प्रश्न होंगे और ठीक ठाक संख्या में होंगे अब हो सकता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को आपसे पूछे कारण वही है कि इतनी कोरोना की पूरी आपाधापी में आपने जो मूल कानून है जिसकी परिधि में ये सारा जो काम हुआ आपने क्या उसको समझा क्या आपने उस अब वो वैसे भी आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है पर आप थोड़ा सा अलग नजरिए से उसको देखिए उसके महत्व को अलग से समझिए इसी तरह आगे मैं करूंगा विषय एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट जो मूल पहला कानून था देश में कोई कानून ही नहीं था इस तरह की पैंडमिक को लेकर जो विशेष वही ब्रिटिश काल के समय का कानून था जिसको कहीं ना कहीं ओवरऑल हाँ बिल्कुल खुशबू आपने बड़ा सही एग्जांपल दिया है कबाड़ी वाले की तरह उसको देख सकते हैं उदाहरण में कोई कमी नहीं है बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण वही काम करता है बड़ा ग्लैमराइज है यार है ना कबाड़ी और एसेट रिकन्स्ट्रक्शन भारी भरकम शब्द है बट एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सही आपने दिया है ठीक है चलिए तो मैं ये कह रहा था कि कोरोना से रिलेटेड इस तरह के टॉपिक्स को करिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर कोरोना ने जो चुनौती उपस्थित करी कि जो भाई वल्नरेबल देश हैं हैंट्स जिनको हम कहते हैं जिनके पास कोई क्षमता नहीं सामान्य समय में ही संघर्ष करते थे तो अब कोरोना में जब सब ठप है तो ये कैसे अपने लोगों को बेसिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा पाए ठीक है तो आप ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान ये यूएन की रणनीति थी है इनफैक्ट अभी कि हम कैसे इन देशों की कोविड से लड़ने में सहायता करें और ये चलेगा अभी इसमें करीब करीब छः दशमलव सात बिलियन यूएस डॉलर्स इतना एलोकेट करा गया इतना पैसा बांटा जाएगा ठीक ठाक राशि है प्लान को तिरसठ देशों में चलाया जा रहा है जो अफ्रीका साउथ अमेरिका मिडिल ईस्ट और एशिया के भी कुछ पिछड़े देश शामिल हैं ठीक है प्लान में यूनाइटेड नेशंस ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सीधे जो अंतरराष्ट्रीय एन हैं अंतरराष्ट्रीय एनजीओ समझते होंगे ऐसे एन जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिकीय पर्यावरणीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं किसी एक देश तक उनकी परिधि नहीं है और ये बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप ठीक है बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप्स की तरह उभरे हैं अभी आपने देख ही लिया कि भाई ग्रेटा ग्रेट हैं किसी देश को झकझोरने के लिए है ना तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल एन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सरकारें नहीं हैं इसमें ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल एन इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इस प्लान में ऑर्गेनाइजेशन से वो कहा गया है कि वो डिलीवर करेगा वो अभी शुरुआती तौर पर ये था कि जो अनिवार्य चिकित्सकीय जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टेस्टिंग किट्स पीपीई, पी, -पी मास्क ये सब था और धीरे धीरे फिर अब इसको एक इकोनॉमिक रिवाइवल की तरह कि वहाँ पर इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जा सके ये सब चीज़ें भी देखी जाएंगी ठीक है तो ये पूरा इसका संदर्भ था इसको आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये ऑप्शनल है पैसा कहाँ से आएगा पैसा ही बटना है तो पैसा ही केंद्रीय चीज़ है तो किसी ऐसा नहीं है कि कुछ बाध्यता हो कि सबको जितने भी जी ट्वेंटी देश हैं सबको देने हैं कुछ नहीं है जो दे उसका भला जो ना दे उसका भी भला वाली रणनीति पर काम है और ब्रिटेन ने जर्मनी ने यूरोपियन कमीशन ने जापान ने गल्फ कंट्रीज ने कनाडा ने अब तक सबसे बड़ा डोनेशन दिया है अमेरिका का नाम आपको मिसिंग दिख रहा होगा तो ये ट्रम्प के दौर का अमेरिका था बाइडेन ने अभी कहा है कि हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो ये यूएन की तरफ से एक बड़ा प्रयत्न है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान कोविड के संकट से लड़ने के लिए तिरसठ देश जो अफ्रीका साउथ अमेरिका मिडल ईस्ट और एशिया से आते हैं उनकी सहायता करने पर केंद्रित है अगला विषय देश में आते हैं वापस जो कल्चर और एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स हैं एक प्रश्न आपको फिल्म्स में अक्सर जो जीआई टैग जो देश की किसी प्रोडक्ट को या प्रोसेस को या किसी और ऐसे एट्रीब्यूट को मिलता है वो जनरली पूछता है ये नहीं ज़रूरी है पूछे कि इनमें से जीआई टैग किसको मिला है लेकिन आपसे ब्लैक राइस के बारे में क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है इसलिए पूछेगा क्योंकि इसको जीआई का टैग मिला है जीआई का मतलब भौगोलिक संकेत आपको पता होना चाहिए इसको पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पता है पेटेंट में और जीआई में क्या अंतर है दोनों के बीच क्या सह संबंध है काले रंग का चावल होता है वह देख के आपको तिल जैसा लगेगा तिल जानते हैं उत्तर भारत के हमारे दोस्तों सब जानते हो तो इसको चाक हाउ भी कहते हैं तो ना, इस नाम से पूछ ले दूसरा गोरखपुर में जो टेराकोटा ये आपको जो दिख रहा है सामने ठीक है ये टेराकोटा आकृतियां हैं तो गोरखपुर में कुछ समुदाय हैं जो इसका बहुत अच्छा उनका एक परंपरागत आधार है तो अब इस तरह की चीज़ों को जो हैंडक्राफ्ट हैंडमेड हैं इनका एक्सपोर्ट का मार्केट बहुत बड़ा है प्रधानमंत्री तो पिछली मन की बात में कह ही रहे थे कि इसको करा जाना चाहिए तो इसलिए जी आई टैग इंपॉर्टेंट है अदरवाइज कोई पेटेंट किसको करा ले अगर तो फिर आपकी संपदा पर डाका पड़ जाता है और तीसरी चीज है कडलाई मिठाई ये कोविल पत्ती का जो कडलाई मिठाई है इसको भी जी आई टैग मिला है तीनों को भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ठीक है थीके? ये पूरी बात ब्लैक राइस के बारे में कुछ चीजें जोड़ दी इसका गहरा काला रंग और हायर वेट में ज़्यादा है ना हायर बाय वेट और बाकी जो कलर्ड राइस वेराइटीज़ हैं जैसे ब्राउन राइस वग़ैरह उनकी तुलना में इसका वेट कॉम्पोनेंट ज़्यादा होता है इस ज़्यादा वज़नी चावल है और काला रंग बेसिकली एंथोसाइनाइन ये एक एजेंट है जिसकी वजह से ब्लैक राइस का काला रंग होता है मणिपुर की विशेषता है और इसका जो अंदर का कुछ आ, जो की विशेषता है उसको भी हमने देखा गोरखपुर का टेराकोटा शताब्दियों पुरानी ये अपनी उनकी तकनीक है और जो यहाँ पर कुम्हार हैं वो एनिमल फिगर्स को जनरली बनाते हैं आप इसमें भी देख रहे होंगे जनरली या फिर बेसिकली जो हमारे यहाँ है ईश्वरी आकृतियाँ देवी देवता और अदरवाइज एनिमल फिगर्स टेराकोटा में बहुत प्रोमिनेंस रखती है है ना और बेसिकली माना जाता है कि बहुत श्रम सघन बहुत मेहनत वाला काम है उस हिसाब से कोई आय नहीं होती इसको बड़ा साधारण सा मान लिया जाता है लेकिन बहुत मेहनत का काम है और इसको सरकार थोड़ा सा समर्थन भी देना चाह रही है ये तीनों में से जो सबसे संभावनाशील प्रश्न है वो कहीं ये मिटाई दिखती है क्योंकि इसके ये कल्चर में मेंस में भी आ सकता है इसमें इतना पोटेंशियल है इस सवाल ठीक है ध्यान दीजिएगा ये जो यहाँ ये आपको एक रिवर दिख रही है थामिर बर्नी रिवर ठीक है वैसे भी आप जो पेनिनसुलर इंडिया है इसके रिवर इन सिस्टम्स को आप कैप्चर करते ही है ना कावेरी सबसे प्रमुख नदी आप देख रहे हैं तो ये थामिर बर्नी रिवर से इस भौगोलिक संकेतक का बहुत गहरा रिश्ता है इस बात को समझिएगा बेसिकली क्या है पीनट से मूंगफली से बनने वाली एक कैंडी है तमिलनाडु के कुछ आ, पर्टिकुलर जो ये इस रिवर के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर इसका प्रमुखता उत्पादन होता है कैंडी को बेसिकली वही ग्राउंड नट और गुड़ जैगरी से बनाया जाता है पानी जो इसको बनाने की सबसे विशिष्ट बात है इस कोविल पट्टी कड़ालाई मिठाई को बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल में आता है वो सिर्फ थामिर बर्नी रिवर से लिया जाता है कहते हैं इस नदी के पानी में कुछ खास बात है जो तो इस पूरी जो ये खाद्य एक पदार्थ है इसको एक बहुत यूनिक टेस्ट देता है और यही इसको भौगोलिक संकेतक के तौर पर स्थापित करता है है ना तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है थामिरबर्नी नदी का ओरिजिन वेस्टर्न घाट से है और ये अल्टीमेटली गल्फ ऑफ मन्नार में जाकर मिल जाती है एक पेरेनियल रिवर है तमिलनाडु की इसको ताम्रपर्णी और पोरुनाई नदी के नाम से भी जाना जाता है तो ताम्रपर्णी पोरुनाई ये सब थामिरबर्नी एक ही नदी के नाम है वेस्टर्न घाट से ओरिजिन है गल्फ ऑफ मन्नार में गिरती है तमिलनाडु की एक पेरेनियल नदी है ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहिए। अगला विषय थोड़ा सा तकनीकी एक शब्दावली पर केंद्रित है इंपॉर्टेंट है के प्रभाव को देखते हुए इस पर प्रश्न अपेक्षित हो सकता है भारत के वैज्ञानिकों ने मैग्नेटोस्फेयर को मैग्नेटोस्फ़ेयर को एनालाइज करने की एक नई एक विधा डेवलप करी है इंटरनेशनली जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं है ना उनके बीच चर्चित रहा तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इसके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पूरा एक सिमुलेशन क्रिएट किया है कि अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ना जानते हैं इस बात तो को, तो मैग्नेटोस्फेयर को लेकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उस पर यह पूरा अध्ययन केंद्रित है क्यों महत्वपूर्ण है एक तो पहली चीज़ कहीं ये पृथ्वी के अंदर की बात नहीं है क्योंकि मैग्नेटोस्फेयर सुनकर कहीं पहले कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कुछ अर्थ की कोर वोर में कहीं कुछ काम हुआ है नहीं बाह्य अंतरिक्ष की बात आउटर स्पेस की बात इस अध्ययन के बाद जो भविष्य में जो अंतरिक्ष अभियान निर्मित होंगे उनको लेकर वैज्ञानिकों की समझ कुछ बेहतर होगी बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटोस्फेयर और हम शायद बेहतर अभियानों का संचालन कर सकेंगे इस अध्ययन का एक लाभ जो फ्यूजन रिएक्टर्स या फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं मैंने पहले भी आपसे आईटीईआर परियोजना की चर्चा की है जो बहुत महत्वाकांक्षी अगर इंसान को ह्यूमंस को मानव को ऊर्जा के संदर्भ में सभी चिंताओं से मुक्त होना है तो ये रिएक्टर सफल होना जरूरी है क्योंकि ये सनलयन से बिजली बनाएगा और सनलयन से अगर बिजली बन गई तो आप समझ सकते हैं कि फिर हाइड्रोजन से बिजली बन रही है हाइड्रोजन का मतलब है पानी जब तक पानी है तब तक ईंधन की कमी नहीं और हाइड्रोजन से आप जो बिजली बनाएंगे वो इतनी मात्रा में इतनी अधिक होगी कि फिर आपको कोयला और यूरेनियम और थोरियम उस सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वजह से हम प्यूजन बेस्ड संलयन बेस्ड जो अनुसंधान चल रहे हैं उनको भी इस अभियान से बड़ी सहायता मिलेगी कैसे इस बात को समझिए देखिए बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड्स को मैग्नेटोस्फेयर का मतलब है एक मैग्नेटिक फील्ड का पूरा जो प्रकृति का जो अर्थ के चारों ओर ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको अगर आप एनालाइज कर रहे हैं इसके जो कारक हैं उनको कहीं बेहतर तौर पर समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मैग्नेटिक फ़ील्ड को कंट्रोल करने उसको एनालाइज करने और उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से डेवलप करने में आपको सहायता मिलती है इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक फ्यूजन रिएक्टर संलयन रिएक्टर उसमें दो चुनौतियां होती हैं बहुत बड़ी एक संलयन के लिए जो तापमान चाहिए वो तापमान कई मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस तापमान को सुरक्षित तौर पर उसका संचालन करना कि इतने हाई टेम्परेचर पर आप अपनी प्रोसेसेस को चला सकें ये ज़रूरी होता है दूसरी बात है कि आप जो अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है और जब संलयन हो रहा होता है तो संलयन के लिए प्लाज्मा चाहिए और प्लाज्मा जो है बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रिएक्टर के चारों ओर आपको चाहिए यानी मैग्नेटिक फील्ड पिक्चर में आ गई रिएक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को आपको मेंटेन करना है उसको मॉनिटर करना है उसको माइन्यूटली कंट्रोल भी करना है ये जो आपका काम है इसको इस अनुसंधान से सहारा मिलता है क्योंकि आप मैग्नेटोस्फेयर के माध्यम से अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड्स को ही आप समझ रहे हैं चलिए आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों रुक गया था यूट्यूब में पढ़ाने में यही दिक्कत है एक आवारा आवार पंक्षी आई जाता है घूमते घामते कहीं ना कहीं चल तो मैग्नेटोस्फेयर क्या होता है सन जो है वो एक प्रमुख सोर्स है ना ऊर्जा का अनंत सोर्स है आप जानते हैं लेकिन ये जो बेसिकली प्लाज्मा जो अर्थ के चारों ओर है और इसी प्लाज्मा की वजह से वो पूरा जो मैग्नेटिक एक आवरण है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है उसका भी सबसे बड़ा सोर्स है प्लाज्मा का मतलब होता है आयनाइज पार्टिकल्स आयन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन्स का एक पूरा समूह होता है तो बेसिकली जब सन का जो प्लाज्मा का पार्ट अर्थ तक आता है सोलर विंड्स के थ्रू इसकी वजह से एक इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड वो डेवलप होती है ना, जो पृथ्वी के चारों ओर आपको दिखती है अब दो तरह की बातें हो गई एक तो अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा एक इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दूसरा इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड जो सन का जो प्राइमरी सोर्स है जिसके लिए जब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच इंटरेक्शन होता है जब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच इंटरेक्शन होता है तो इससे अर्थ का एक मैग्नेटोस्फेयर डेवलप होता है ये सब भूगोल में भी आप पढ़ते ही होंगे तो थोड़ा रिवाइज वहाँ भी करिएगा और मैग्नेटोस्फेयर जो है यहाँ पर सेटेलाइट्स बहुत बड़ी संख्या में इनको यहाँ पर केंद्रित किया जाता है टू ओवरऑल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस है ना तो जब सेटेलाइट्स ओवरऑल ये ऐसे तरह से प्रोजेक्ट होते हैं कि कोई ब्लाइंड एरिया ना बचे तो, मतलब दो सेटेलाइट्स कवरेज का कुछ कहीं ऐसा ना हो जहां कवरेज ना हो पा रहा हो तो ये सब जो स्पेस रिसर्च की प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने के लिए भी अर्थ ये जो मैग्नेटोस्फेयर बेस जो अध्ययन है ये बहुत उपयोगी है और इस बात को हम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए देख सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको यहाँ पर दिखेगा चलिए अगला विषय थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय विषयों मुद्दों के उस पर लेते हैं एक घटनाक्रम इस परीक्षा वर्ष में हमको दिखता है ईरान एक ऐसा देश बना जिसने स्पीतिकारी इन्फ्लेशनरी प्रेशर से बचने के लिए एक नई करेंसी तोमान को तोमान को लॉन्च किया वैसे सामान्य करेंसी आपको पता है रियाल है लेकिन इन्फ्लेशन का प्रेशर इतना था कि एक तोमण सोचिए दस हजार रियाल के बराबर है इसका एक और जो डिनोमिनेशन है उसको घेरन कहते हैं सौ तो घेरन एक तोमान के बराबर है ठीक है जैसे आप यूरो और सेंट देखते हैं ना या रुपया और पैसा अब तो खैर पैसों का कोई वो नहीं रह गया उसी तरह घेरन और तोमंड ये दो एंटिटीज़ हैं ध्यान रखिएगा ईरान से इनका विषय है ईरान की संसद ने बहुत हाइपर इन्फ्लेशन की उनके यहाँ स्थिति हो गई थी उसको उससे बचने के लिए इस बात को किया है अगर ईरान के संदर्भ में हम देखें तो ईरान में मुद्रा का अवमूल्यन डिवेल्यूएशन ये बार बार करना पड़ा है उनकी ऐतिहासिक कुछ समस्याएं ऐसी रही कि उनको ये करना पड़ता है इसमें 79 की जो इस्लामिक क्रांति थी इस इस्लामिक क्रांति ने बेसिकली पूरा ईरान पर तेल व्यापार पर पश्चिमी देशों का कब्जा था अब एकदम से एक क्रांति हुई उन सबको भागना पड़ा छोड़ के तो इकोनमी मोर और लेस जो है ओवरऑल कहीं पूरी वहाँ पर ठप हो गई कि जो लोग काम कर रहे थे उनको देश छोड़कर जाना पड़ा उनकी जान के वहाँ खतरे थे और नई व्यवस्था बने उसमें समय लगता उस परिदृश्य में एक बहुत ह्यूज हीवैल्यूशन ईरान की करेंसी में हमको दिखता है उसके बाद 10 साल के बाद 89 में इराक ईरान वॉर के चलते जो ऑयल क्राइसिस था इसमें 8 साल ईरान को लग गए उस उस पूरी बदहाली से उभरने के लिए और यहाँ भी रियाल ऑलमोस्ट 100 परसेंट हो गया था ठीक है डॉलर के कंपैरिजन में तो ये वो कठिन दौर था और उसके बाद ईरान जब अहमदी एजाज साहब वहाँ पर राष्ट्रपति थे बड़े कट्टर बड़े कठोर नीतियों के साथ बढ़े तो पश्चिमी जगत से टकराए टकराए तो उन्होंने सेंक्शंस लगा दिए एक देश जो तेल निर्यात पर कहीं ना कहीं बेस था उसको प्रॉब्लम हुई और यहां पर 400 परसेंट रियाल ने अपनी वैल्यू को लूज किया ग्लोबल मार्केट में और इसी के चलते अहमदी नेजाद को 13 में अपना पद भी छोड़ना पड़ा था और उसके बाद जब अमेरिका ट्रम्प के दौर में नाभिकीय समझौते से पीछे हटा तो भी ईरान की करेंसी को सबसे बड़ा अब तक का धक्का लगा डॉलर की तुलना में 600 परसेंट का डिवेल्युएशन आपको दिखेगा तो ये सब दौर रहे हैं और उन दौरों के बीच आपको यहाँ पर एक कोरोना काल भी है जिसमें उन्होंने अपनी नई करेंसी को यहाँ पर लॉन्च किया है ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी आपको समझना चाहिए मतलब अभी प्रिलिम्स के हिसाब से बेसिक बात करेंगे बट ईरान राजनीतिक तौर पर भी बड़ा दिलचस्प देश है जहाँ कहा जाता है कि डेमोक्रेसी और थियोक्रेसी लोकतंत्र और धर्मतंत्र वो कहीं हाथ में हाथ डाले साथ चलते हैं कारण ये है कि राष्ट्रपति को देखें तो जनता सीधे चुनती है संसद को देखें तो जनता संसद के सदस्यों को भी सीधे चुनती है लेकिन इन सबसे कहीं ऊपर हैं ईरान में धर्म गुरु जिनको सुप्रीम लीडर कहा जाता है खमैनी साहब और खमैनी साहब जो हैं वो एक कई संस्थाएं बनी हैं गार्जियन काउंसिल असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स तो दिखाने को ये है कि सुप्रीम लीडर भी सुप्रीम नहीं है इसके ऊपर भी नजर रखी जाती है लेकिन वास्तव में जब आप देखेंगे तो ये ऐसा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है क्या मेरे हक में फैसला देगा ओवरऑल इनको ही चुनना है कौन असेंबली में होगा कौन गार्जियन काउंसिल में होगा राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ेगा ये सुप्रीम लीडर ही ओके करता है तो आप चुनाव लड़ सकते हो चुनाव हो गए लोगों ने वोट दिया कोई जीत गया तो जीता हुआ आदमी भी राष्ट्रपति तभी बनता है जब सुप्रीम लीडर उसको ओके करता है तो इस तरह की व्यवस्था है इन सब परिदृश्यों को भी आपको पता होना चाहिए इसको तो देखना चाहिए चलिए अगला एक छोटा सा विषय लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में क्या है कि एक लाइन भी एक क्वेश्चन होता है कई बार सिर्फ एक लाइन तो हमने किताबें पढ़ पढ़ के मर गए पर पता चला वो लाइन जो है वो कहीं हमने नहीं करी थी तो वहां पर सर पीटते हैं तो हर तरह के विषय आएंगे एक विषय ऐसा भी जिसमें एक घंटे बात करनी चाहिए एक विषय ऐसा भी जो दो मिनट में हो जाए है आइडियाथन अब जो हैकेथन इन सब पे प्रश्न देखिए कितने पूछे जाते हैं तो आइडियाथन ये जल शक्ति मंत्रालय ने इस देश में मई 2020 में इसको किया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो एक पूरा मिशन चल रहा है उसने आईडीएथन को ओवरऑल मैनेज किया और फोकस इसका था द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट द आईडीएथन इवेंट एग्जामिंड हाउ सोशल एंगल ऑफ रिवर्स कैन बी लेवरेज टू एड्रेस द क्राइसिस यानी हम अपनी नदियों का जो प्रबंधन कर रहे हैं आइडिया आइडिया को लेकर एक मैराथन है ठीक है तो क्या आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं इसमें अगर हम बड़ी संख्या में इस तरह के जो मिशन होते हैं उसमें यही लाभ होता है कि बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिलते हैं तो रिवर मैनेजमेंट को लेकर क्या हमारा फ्यूचर हो सकता है उसको लेकर ये आइडियाथम था और इसमें अल्टीमेटली एक काफ़ी ह्यूज पार्टिसिपेशन भी रहा और चीज़ें इसमें देखी गई एक रिवर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इसको इसके बाद इस आइडियत के बाद अपनाया गया है और अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान जो पहले से चल रहा था उसमें इसको एडॉप्ट किया जाएगा तो अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान इसको भी थोड़ा सा हमें और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होगी हम नमामि गंगे प्रोग्राम पहले प्रश्न आया है लेकिन चूंकि ये पूरी प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है तो इसी को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की तरह लॉन्च किया गया 2011 में और इनिशिएटिव में फोकस है कि हम गंगा नदी में जो प्रदूषक तत्व जो मिलते हैं उनको कंट्रोल कर सकें तो अपने आप मिशन पूरा हो जाएगा मेन पिलर्स इस मिशन के हैं सीवरेज ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक कचरा जो नदियों गंगा नदी में फेंका जाता है उसको मॉनिटर किया जाए बायोडाइवर्सिटी को जैसे आपने डॉल्फिन्स वगैरह के संदर्भ में देखा होगा उसको कैसे इंक्रीज किया जाए डेवलपमेंट ऑफ रिवर सरफेस क्लीनिंग एफॉरेस्टेशन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है किसी रिवर की पोल्यूशन में और जन जागरूकता शायद ये सबसे ज़रूरी है अभी भी आपको दिखेगा कि नदियों के ऊपर पुलों में लोग घर में कथा कराई और उसके बाद जाकर पॉलिथीन में भर के सारा पूजा के जो अवशेष थे वो नदी में फेंक आए बिना ये सोचे हुए कि ये जीवनदायी कितने जीवों को न सिर्फ इंसान लेकिन हम उसको प्रदूषित करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमको उस पूजा का लाभ होगा ये गलत सोच है तो भारत ने नमामि गंगे में जर्मनी का सहयोग भी लिया है ये बात भी ध्यान रखिएगा जर्मनी इसमें एक हमारा पार्टनर है तो आइडियाथन को भी आप एक इम्पॉर्टेंट उसमें देख सकते हैं किसान सभा एप्लीकेशन ये एक एप्लीकेशन सी ने डेवलप करा और इसको लॉन्च किया गया इस परीक्षा वर्ष में सी एस आई आर किसान सभा एप्लीकेशन जो है इसमें बेसिकली फार्मर्स को किसानों को कनेक्ट करने की बात है एक खास मुद्दे पर जो किसान अपना उत्पाद देश के विभिन्न भागों में जो बेचना चाहते हैं आपको पता होगा इसमें आ, एक एयर फैसिलिटी को भी डेवलप किया गया है ना तो अपनी उपज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो परिवहन के विभिन्न विकल्प उनको उपलब्ध हो सकते हैं इसको इस ऐप के माध्यम से उनके लिए सुनिश्चित किया जाता है और टाइमली सपोर्ट हम किसान को दे सकें उनका मुनाफा इससे मैक्सिमाइज हो सके और जो बिचौलिए होते थे मिडल मैन होते थे इस पूरी प्रक्रिया में जो बहुत बड़ा लाभ किसान से ज़्यादा तो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला कमाता था इन सबको सरकार थोड़ा पीछे ढकेलना चाहती है इसके लिए ये किसान सभा एप्लीकेशन ट्रांसपोर्टेशन पर इस पर फोकस्ड है ये ध्यान रखिएगा किस तरह से ये किसानों की सहायता करेगा ये ट्रांसपोर्टर्स और फार्मर्स यानी जो लोग इस काम में लगे हुए हैं और जिनको अपना माल भेजना है दोनों के बीच ये ऐप एक कनेक्शन कर देता है जैसे आप उबर ओला बुक करते हैं आपको कहीं जाना है कोई टैक्सी चला रहा है वो इस काम में लगा हुआ है जो नियरेस्ट होगा आपके पास आ जाएगा कितनी सुगमता है समझ सकते हैं उसी तरह की व्यवस्था है ठीक है तो ट्रांसपोर्टर और फार्मर के बीच एक कनेक्शन पैदा करता है ये सर्विस प्रोवाइडर्स को मंडी डीलर्स को और बाकी जो कस्टमर्स हैं जैसे ऑनलाइन स्टोर हैं खुदरा जो आउटलेट्स हैं या संस्थागत जो कृषि खरीद करने वाले लोग हैं सबके बीच एक तरह से कनेक्शन पैदा कर सकता है इस पोर्टल के द्वारा एक सिंगल स्टॉप हर कृषि संबंधी इस तरह के परिवहन के लिए एक समाधान आपको दिख सकता है और इस ऐप के माध्यम से जो डीलर्स जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का कारोबार करते हैं इनको भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है इनकी भी ज़रूरत को इससे पूरा किया जा सकता है तो अभी छह प्रमुख मॉड्यूल्स हैं जिनको किसान सभा एप्लीकेशन से पूरा किया जा रहा है इसमें मंडी डीलर्स हैं फार्मर्स हैं ट्रांसपोर्टर्स हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं कंज्यूमर हैं और मंडी बोर्ड मेंबर्स हैं इन सब को किसान सभा एप्लीकेशन जोड़ता है इस बात को हम देख सकते हैं ठीक है तो आज बात को यहीं रोकते हैं इसी तरह मैं समय समय पर कुछ कुछ विषय लाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि जितने प्रमुख बातें हैं और उसको हम लोग इसको कर सकें ठीक है तो हम उसको वहां पर देख सकते चलिए कल भी मैं ग्यारह बजे इसी टाइम पर इसको रख लेता हूँ है ना तो कल भी 11 बजे और कल तक फिर मैं आगे के लिए टाइम सेट कर दूंगा दिन भी सेट कर दूंगा आपको जिससे कि पहले से रहे ठीक है मैं लाइव ही हूं अभी इंदु मैं अभी ये प्रोग्राम लाइव ही है आपके लिए ठीक है मैंने नाम वाम नहीं लिए शायद आपको उस वजह से लग रहा होगा अभी तो मैंने कहा ब्लॉक करा था जब उसको इस कोर्स के बारे में थोड़ा बता दूं इस कोर्स में चालू जी हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण विषय समसामयिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं है ना जिनसे कुछ कंटेम्प्रेरी भी पूछा जा सकता है अब करंट को पढ़ने की दृष्टि भी नहीं चाहिए है ना आप देख रहे हैं कि जो प्रचलित सामग्री आप साल भर का पढ़ते हैं इतनी मेहनत करते हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है तो अब हमें घटनाक्रम कुछ अभी का है पर उसके बेसिस पर पूछ क्या सकता है ये शायद विस्तार से पढ़ने की जरूरत है और क्या क्या कवर किया जाएगा इसमें विषयवार अगर देखें तो इतिहास तक कवर करूंगा। अगर इतिहास की भी कोई घटनाक्रम करंट में है सौ साल हुए डेढ़ सौ साल हुए पढ़ाऊँगा नहीं क्योंकि पढ़ पढ़े लिखे तो आप लोग हैं ही बहुत है ना हिस्ट्री पढ़ाई है ना भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी, आबाद जैसे आ, हमने देखा कुछ चीज़ें तो ये सब आपके कुछ कन्वेंशनल नॉलेज को भी टेस्ट करते हैं तो उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लो है ना तो कुछ घंटे मुझे भी दे दीजिए महीने में मैं होपफुली आपकी कुछ दुविधाओं का अंत तो कर ही दूंगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या, क्या। तो पूरा कवर करूंगा इकोनॉमिक सर्वे भी चैप्टर बाई चैप्टर आगे की क्लासेस में मैं जोड़ता जाऊंगा कि क्या क्या इसमें आपको पता होना चाहिए पर थोड़ा सा डेली दे, क्लास नागेंद्र वो थोड़ा मतलब समस्याएं हैं समय को लेकर मैं कोशिश करूंगा जो अधिकतम समय में दे सकता हूं कई लोग फिर वही नाराज़गी वाला दौर शुरू हो जाता है आप फिर गायब हो गए आपने फिर ये नहीं किया तो ये सब शिकायत शिकायत मत करा करो भाई जो समय जितना मिल रहा है सब लोग इंसान है पचास तरह की आ, रोल प्ले करने हैं हमको तो जो कुछ कर पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ बाकी इतने सारे लोग सब आपकी सहायता है ही शुक्रिया शुक्रिया आपको देख खुशी हुई तो अच्छी बात है नहीं नहीं भैया हिस्ट्री ऑफ मैं देखिए ये तो ऑनलाइन में मेरे मेरे दोस्त ये मजाक नहीं है ये एग्ज़ाम है ना कि एक इंसान जो है वो इतिहास भी पढ़ा रहा है भूगोल भी पढ़ा रहा है देखिए करंट में क्या है करंट में तो ये कि भाई इतना हम लोग 16 साल से पढ़ा रहे हैं तो बुनियादी सब तब, तब भी मैं जोग्राफी में देखिए अगर जो लोग मुझसे जुड़े हैं मैं मैं हाथ खड़े कर देता हूँ कि भैया मैं ये भूगोल का विषय मैं बता सकता हूँ कि ये पढ़ लो मैं पढ़ाता नहीं हूँ कभी है ना तो मेरे जो अपने विषय हैं हिस्ट्री ऑप्शनल का मेरे को जो हिस्ट्री ऑप्शनल के इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं उनकी आप क्लासेस देखिए उनसे आप सलाह लीजिए ऐसे हर आदमी से सलाह हर चीज़ की मत लेते रहिए जो मैं मेरा कोर विषय है उसमें मुझसे बात करी मैं दूंगा भी नहीं सलाह मैं गैर-जिम्मेदार इंसान नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं ही ब्रह्मा मही ही मही, मही। चलिए शुक्रिया फिर कल ग्यारह बजे समय रहे तो आइए कुछ लोग रहेंगे तभी चल पाएगा अदरवाइज तो जानते हैं अन अकेडमिकएगा क्यों ऐसे आदमी को हम समय दें जिसकी क्लास में कोई आता ही नहीं चलिए नमस्कार